कोई नहीं जाएगा बस बस बस। अच्छा ठीक है हल्ला कहे के लिए बोलो चुपचाप रहो बैठना बिहार में जो है तांडव हम लोगों को देखने को मिल रहा है और सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर लेकर। एनसीआरबी के आंकड़ों में भी अगर आप देखें तो लगातार जो है रेप हो, बलात्कार, आपका हत्या, अपहरण जैसे घटनाओं में बिहार दूसरे तीसरे गिना जा रहा है। ये मेरे आंकड़े नहीं बल्कि एनसीआरबी के आंकड़े। रूपेश एक भला व्यक्ति था, हमारी अच्छी उससे जान पहचान थी और मिलनसार, और ऐसा लगता ही नहीं था कि उसकी कोई दुश्मनी हो सकती है। अद्भुत है कि सीएम आवास से 2 किलोमीटर दूर पुनाई चक में है, जो केवल 9 से 10 मिनट का रास्ता है सीएम आवास से। उसे सड़ेआम जो है पटना राजधानी में भून दिया जाता है। 15 राउंड चलते हैं, 6 गोलियां लगती हैं, 2-3 लोगों का जिक्र चल रहा है और 5-6 दिन हो गए अब तक कोई गिरफ्तारी तो दूर की बात कोई सुराग तक नहीं मिला। पुलिस प्रशासन फेल हो चुका है और विश्वास लोगों का इतना उठ गया कि 4 साल रुपेश का बेटा भी कह रहा है कि बिहार पुलिस से कुछ नहीं होने वाला, सीबीआई जांच करेगी। अद्भुत है कि अब तक इस परिवार को सुरक्षा नहीं मिली और हमने खुद कहा है कि सरकार रोजगार दे ना दे, हम अपने स्तर से उनकी धर्मपत्नी को रोजगार दिलाने की मदद करेंगे, दिलाएंगे। बच्ची का स्कूल एक नोटोडम में है, एक डीपीएस में है, उनके स्कूल में भी हमारी बातचीत होगी, कोई कमी ना रह जाए उनके आगे के पढ़ाई को लेकर। तो ये अद्भुत है ना, कोई मामूली घटना नहीं है और इस तरह का घटना बिहार को लगातार देश भर में दुनिया भर में शर्मसार कर रहा है। अपराधियों का पूरी तरीके से बोलबाला हो गया है। 15 साल से 16 साल से जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये बिहार या अभिशाप के रूप में काम कर रहा है। और आप कह सकते हैं कि गृह डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री आंसू तक पहुँचने नहीं, दिलासा तक नहीं देने। लोभी लोग हैं, सत्ता के लालची लोग हैं, केवल अपने सत्ता को बचाने में लगे हैं, ये जनता के हैं ही नहीं। ना आंसू पोंछ रहे, ना जनता के दुख के घड़ी में ये साथ खड़े हैं, संतावना नहीं दे पाए। इसलिए आज हमारी परिजनों से मुलाकात हुई और रुपेश तो बड़ा हंसमुख व्यक्ति था और सब लोगों की मदद करता था, समाज में भी सेवा करता था। हम लोग तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़ा जाए और विधानसभा खुलेगा तो हम लोग जो है अपने बल जो है और जो दबाव सरकार पे डालना हो वो डालें। चलिए।